देश के कुख्यात गैंगस्टर्स में से एक लॉरेंस बिश्नोई की हाल ही में जोधपुर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है। पेशी के दौरान लॉरेंस ने कई तरह के दावे किए और पुलिस पर तमाम आरोप भी लगाए हैं। लॉरेंस ने साफ तौर पर कहा है कि उसे और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को फंसाया जा रहा है। दरअसल कोर्ट में पेशी के दौरान लॉरेंस ने कहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं किसी को धमकी कैसे दे सकता हूँ, किसी को कैसे मार सकता हूँ, ये सब मेरे खिलाफ साजिश चल रही है। मेरे भाई अनमोल को भी इस साजिश में फंसाया जा रहा है। जेल में मोबाइल नहीं होता है, ऐसे में मैं किसी से मोबाइल पर बात कैसे कर सकता हूँ। कुछ लोग बस मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस भी इस साजिश में पूरी तरह से शामिल है। वहीं इसके बाद जब जज ने पूछा कि दोनों शूटर्स ने खुद कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से उनकी बात कराई गई, तो इसके जवाब में गैंगस्टर ने दोहराया कि जेल में मोबाइल नहीं है, वो किसी से मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है, ये लोग बस उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं इसके बाद शूटर्स को रुपए देने के सवाल पर लॉरेंस ने कहा कि वो जेल में बंद था, बैंक नहीं जा सकता था, ऐसे में उसके पास पैसे कहां से आएंगे और वो कैसे किसी शूटर को पैसे दे सकता है। मैं आपको बता दें कि ये सुनवाई 4 मार्च 2017 में जैन ट्रेवल्स के मालिक पर जानलेवा हमले और रंगदारी मांगने के आरोप वाले केस में हुई थी, जिसमें लॉरेंस ने कोर्ट के सामने अपनी ये बातें रखी हैं। साथ ही कोर्ट ने लॉरेंस से लगभग 50 सवाल किए थे, इसमें से 4 से 5 सवालों के जवाब खुद लॉरेंस ने दिए, जबकि बाकी सवालों के जवाब उसके वकीलों ने दिए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।